नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ। अच्छे दिन आएंगे का स्वप्न दिखाकर बहुत महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार जैसे लूट लुभावन नारों से जनता को गुमराह करके केंद्र की सत्ता में आई भाजपा की मोदी सरकार ने हर क्षेत्र में आम जन को बेहाल परेशान कर दिया है। महंगाई आसमान छू रही है और केंद्र सरकार अपनी पीठ स्वयं थपथपा रही है। पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दामों में नित्य बेतहाशा मूल्य वृद्धि हो रही है। इसके विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी हरदा द्वारा कांग्रेस द्वारा चारों तरफ है महंगाई की मार। जन विरोधी है मोदी सरकार, पेट्रोल डीजल के दाम घटाओ, जनता के सब्र को मत आजमाओ, जैसे नारों से लिखी हुई तख्तियां लेकर सरकार विरोधी नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। जिला महिला कांग्रेस द्वारा हाथ ठेले पर चूल्हा रखकर रोटियां बनाकर रसोई गैस के दामों में वृद्धि के विरोध में महिला कांग्रेस का अनूठा प्रदर्शन किया गया। अब्दुल समद की रिपोर्ट। तेल और खाद्य दाल वगैरह सभी के रेट बढ़ते जा रहे हैं और सरकार के कान में जूनी रेंग रही है, इसलिए ये प्रदर्शन हमने किया था। प्रदर्शन के माध्यम से हमने हमारी महिला कार्यकर्ता एक ठेले पे चूल्हे पे रोटी बनाते हुए प्रदर्शित किया कि गैस के भाव इतने बढ़ गए हैं कि अब गैस से रोटी नहीं बन सकती, चूल्हे पे वापस जाना पड़ेगा। इसलिए पुराने दिन आ रहे हैं, ऐसी स्थिति के कारण हम लोगों ने ये प्रदर्शन किया और सरकार को जगाया। सरकार दोनों पेट्रोल डीजल के भाव कम करें, गैस के भाव कम करें और अपने हिस्से के जो टैक्स है मध्य प्रदेश सरकार खुद कम करेगी तो निश्चित ही महंगाई कम होगी, क्योंकि आजू बाजू के स्टेटों में भी डीजल पेट्रोल के भाव कम है, इसलिए इस मांग को लेकर। आपने अभी तक टीएनटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन की बटन को दबाना न भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।